एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, दिस इज मैथ्स क्लास एंड एक्सरसाइज 12 है. ऑलरेडी यू हैव स्टडीड क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 एंड दिस इज क्वेश्चन अबाउट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ये तीन यूनिट्स है, ये रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें एक दो क्वेश्चन हमने बना लिए हैं. और ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड. यानी अगर आपको किसी और यूनिट में दिया है, आवर में दिया है या किसी में दिया है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे वो बताया. तो यहाँ पे हम पहले ये 43 मीटर डिस्टेंस क्या है, डी कितना है, 43 मीटर. तो इसको किस में चेंज करना है, तो 43 मीटर है तो मीटर में ही चेंज करना है, तो ये कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन इसका टाइम जो है वो 1 आवर, यहाँ पे पर आवर मतलब 1 आवर. तो 1 आवर जो है इसको सेकंड में हमको चेंज करना है. तो सेकंड में चेंज करने के लिए पहले मिनट में चेंज करते हैं, 1 × 60 तो मिनट हो जाएगा. और अगर 1 × 60 × 60 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा सेकंड. तो कितना आएगा, 60 × 60 इज 300 सेकेंड्स. याद रखोगे 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स. तो इसको याद रख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. अब इसको चेंज करना है. अब यहाँ पे ये स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इन, अब हम क्या लिखेंगे, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. अब किस में चेंज कर रहे हैं हमने स्पीड को, ये स्पीड किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43 मीटर का क्या हो जाएगा, 43 मीटर का मीटर ही रहेगा और पर ये मीटर रहेगा. और डी बाई टी होता है, तो ये डी पहले डी बाई टी भी लिख सकते हो आप लोग. तो ये तो मीटर में है ही ऑलरेडी, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे मीटर. लेकिन इसको हम सेकेंड में करना है और ये पहले से ऑलरेडी आवर में है, तो हम 1 आवर के बदले कितना लिखेंगे, 3600 सेकेंड्स. अब इसको हमको ये करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तो आप डिवाइड करोगे तो इसको पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड का निकालना है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, तो डिवाइड करेंगे 43 को. यहाँ पे कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो इसको ये तो स्टूडेंट्स ये ऐसे कैलकुलेट करने पे बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ये आ रहा है, तो हम ये इसके डेसिमल के बाद 1 या 2 पॉइंट तक हम इसको करके छोड़ देंगे, 0119. अगर किलोमीटर रहता तो ये क्वेश्चन हो जाता, पता नहीं कहाँ मिस्टेक है. तो आप लोग इसको ऐसे लिख के और इसको हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड. ये किस में चेंज हो गया, अभी इसके बाद और डिजिट्स आएंगे जिसको हम नहीं डिनोट करेंगे. अब यहाँ पे देखिए 24 मीटर पर मिनट, तो इसको भी सेकेंड में करना है. तो यहाँ पे हम पहले ये लिखेंगे स्पीड क्या है हमारा, स्पीड जो है 24 मीटर और बटा 1 मिनट, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डी बाय टी, या लिख सकते हो डी बाय टी. तो ये 24 मीटर है और 1 मिनट है, तो इसको सेकेंड में चेंज करना है. तो 24 मीटर तो मीटर ही है, तो उसको चेंज नहीं करना है. और यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट के बदले 60 सेकेंड. अब ये कटता है तो 6 × 4 = 24, 6 × 10 = 60. अब ये 2 से और कटेगा, 2/5. अब 2/5 होगा, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 5 से 2 को, तो क्या आएगा, पॉइंट आएगा. पहले तो 0 तो ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन ये पॉइंट आएगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो 0.4. कितना आंसर आएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको. और भी 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं किलोमीटर वाले. ये तो मीटर का मीटर में ही करना था, सिर्फ टाइम को चेंज करना था, इसमें सेकेंड में करना था. अगर आवर दिया है तो 3600, और अगर 3600 से मल्टीप्लाई होगा. अगर मिनट दिया है तो आपका 60 से कन्वर्ट होगा, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से होगा. तो यहाँ पे अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर डी में, 6 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे हम अगर s इक्वल्स टू डी बाई टी लिखे, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर बाई 1 आवर. तो पहले दोनों को चेंज करना पड़ेगा, इसमें मीटर में करने के लिए 6 × 1000 करना पड़ेगा, तो 6000 मीटर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 आवर का कितना हो जाता है सेकेंड. अभी हमने बनाया 1 आवर का हो जाता है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड. 2 0 2 0 से कट गया,
इसको 6 से हम काट सकते हैं, यहाँ 10 आएगा, 6 6 36, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 2 से अगर कट करते हैं इसको तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको 5/3 मीटर पर सेकेंड, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पॉइंट में नहीं भी करना हो आपको तो मिक्स्ड में करके 3 1 3 2/3 1 whole 2/3 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। फिर से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 60 मीटर, आई नंबर 60, फिर से मीटर है, मीटर बाय मिनट, तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ 60 से 100 से इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मीटर ऑलरेडी है, तो s इक्वल्स टू d बाई t, डी कितना है यानी कि डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, और मीटर में ही हमको चाहिए, और मिनट जो है 1 मिनट, तो उसके बदले हम क्या लिख देंगे 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड 60/60 कट गया, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी जो भी है वो ट्रेवलिंग कर रही है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है, इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में करने के लिए हमको 40 मीटर को क्या करना पड़ेगा, 40 मीटर को पहले चेंज करना पड़ेगा हमको किलोमीटर में, किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड करते हैं हम, 1000 से, किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट ये बड़ा यूनिट की तरफ जा रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका 0 से अगर 0 कट जाता है तो 0.04 या 4/100 ऐसे करके आएगा किलोमीटर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो अभी फिलहाल 4/100 किलोमीटर, क्योंकि डिवाइड होना है, तो यहाँ पे और 1 सेकेंड का अगर हम ये करते हैं किलो, इसको आवर में चेंज करते हैं तो 1/3600 डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आवर में चेंज हो जाएगा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका s इक्वल्स टू d/t स्पीड, अब मीटर किलोमीटर पर आवर में करना है तो किलोमीटर कितना हो गया आपका 4/100, और ये डिवाइड, ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि d/t है, टाइम को डिवाइड करना है, तो 1/3600, इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/100 × 3600, तो ये 2 0 2 0 से कट जाएगा, और यहाँ पे 4 × 36 यानी कितना आ जाएगा 4 6 = 24 यानी, और 2 4 3 = 12 और 2 40, 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है, 144 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे पर आवर में। तो इसी तरह से आपके इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपकी समझ में आ गया होगा कैसे चेंज करना है, ठीक है, इसका एक बार और प्रैक्टिस करा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट इट, तो इसमें क्या दिया हुआ है, बहुत ईजी है ये, डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और साथ में स्पीड दिया हुआ है, तीनों में से एक चीज गायब होगा जिसको हमको निकालना है, तो ए नंबर में आपको डिस्टेंस दिया है 360 किलोमीटर, और टाइम नहीं मालूम है, टाइम के जगह डैश दिया है, और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिया है, तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, t = d/s यानी कि time = distance/speed, तो डिस्टेंस कितना है हमारा, दोनों किलोमीटर में ही याद ध्यान दे देना है कि दोनों किलोमीटर में यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों की, उसके बाद ये 90 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 9 4 = 36, तो 4 आवर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइमिंग 4 आवर, इस तरह से सारा फिलिंग द ब्लैंक्स डिवाइड करके, और जहाँ डिस्टेंस निकालना है जैसे बी नंबर में आपको डिस्टेंस नहीं मालूम है, डिस्टेंस नहीं मालूम है, और आपको ये टाइम मालूम है 5 आवर्स, टाइम मालूम है 5 आवर्स, और साथ में स्पीड है आपका 9
95 किलोमीटर पर आवर, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिस्टेंस निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इक्वल्स टू एस इंटू टी। तो एस कितना है आपका 95, और यहाँ किलोमीटर है, यहाँ आवर है, तो यहाँ पे भी आवर है पर किलोमीटर में, तो आपका सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 95 इंटू 5। तो 55 जब 25 कैरी ओवर 2, 95 जब 55 जब 25 कैरी ओवर 2, 59 जब 45 और 2 47, तो 475 क्या हो जाएगा किलोमीटर। किलोमीटर की बात हो रही है, स्पीड किलोमीटर में है, इसीलिए ये डिस्टेंस भी किलोमीटर। इस तरह से आप सारा फिल इन द ब्लैंक्स बना लोगे। व्हाट्स प्रॉब्लम आपका नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में।